हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टाइम एक्स मनी। टाइम एक्स मनी में स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक डाल रखा है एक वीडियो का, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को पता चल जाएगा। ये वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, इसी का हमने लिंक डाल रखा है, आप लोग को पता चल जाएगा कि टाइम एक्स मनी को सब्सक्राइब करने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं आप लोगों को। तो चलिए आज हम लोग एक नया स्टॉक एनालिसिस करेंगे। उस स्टॉक का नाम है बटरफ्लाई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चार्ट ओपन करते हैं बटरफ्लाई का। देखिए 8 अप्रैल को इसने 9 अप्रैल को 537 से 100 रुपीज़ तक का इसने मूवमेंट दिया, और जिस टाइप से इसने मूवमेंट दिया है बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ इसमें आप लोगों को अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिला। कई बार स्टॉक होता क्या है, कभी भी मार्केट ऊपर ऐसे नहीं जाता है, थोड़ा नीचे आता है फिर एक्मेट करता है फिर ऊपर जाता है, थोड़ा मोमेंटम में दिखाता है। तो ऐसे नहीं है कि पैसे नहीं बनते हैं मार्केट में, बहुत पैसे बनते हैं, लेकिन बस यही है कि पेशेंस बहुत रखना पड़ता है आप लोगों को, थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए और ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं किया कीजिए मार्केट में। अगर नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा स्टडी कीजिए मार्केट किस टाइप से जा रहा है। कभी ये नहीं सुनिए न्यूज़ में चलती ट्रेंड में कभी नहीं चढ़ना चाहिए वरना गिर जाइएगा, सीधी सी बात नहीं है। क्योंकि अगर ट्रेंड चल रही है यानी कोई स्टॉक रैली कर चुका है, अगर आप उसमें चल रहे हैं तो हाईर लेवल पे ऑब्वियस सी बात है वहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे अपर साइड पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। तो उसी तरह अगर हम लोग यहाँ बात करें इसमें, तो देखिए जिस टाइप से इसने मूवमेंट दिखाया है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आप लोग इस बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। करंट मार्केट प्राइस पे आप लोग बाई नहीं कीजिए, अभी आप लोग वेट कीजिए इस स्टॉक में, क्योंकि ये ह्यूज वॉल्यूम तो दिखाया है लेकिन कई बार होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट रहता है। अभी इसने अपसाइड की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया तो है लेकिन फुली ब्रेकआउट अभी देखने को इसमें स्टॉक में नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी हम लोग को 670 के ऊपर स्टॉक जाए तो उसके बाद बाई कर सकते हैं आप लोग, हो सकता है यहाँ से लोअर लेवल आए इस स्टॉक में, मेरे अकॉर्डिंगली लोअर लेवल आप लोग को इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक अगर आपको लोअर लेवल अगर दिखाता है 576 के आसपास में तो कुछ क्वांटिटी वहाँ बाय कीजिए। फिर से ये स्टॉक अगर दिखता है 555 के आसपास वहाँ पे बाय कीजिए, 537 के पास बाय कीजिए। करंट मार्केट प्राइस पे अभी आप लोग बाय नहीं कीजिए, हो सकता है आप लोग इट्स अ ट्रैप, मे बी इट्स अ ट्रैप, आप लोग फॉल्स ब्रेकआउट में कहीं फंस न जाए, इसलिए हम सजेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे बाय नहीं कीजिए, थोड़ा सा लोअर लेवल पे बाय कीजिए इस स्टॉक में। और चार्ट का स्ट्रक्चर तो बहुत ही बेहतरीन बन करके आ रहा है और अपसाइड का ट्रेंड बन करके आ रहा है इस स्टॉक में, एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ ट्रेंड बन करके आ रहा है बहुत ही। इस स्टॉक में आने वाले समय में 800 प्लस तक का टारगेट देखने को मिल सकता है इसमें, लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपके ऊपर आप लोग बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग पेशेंस रख सकते हैं तो वेट कीजिए लेवल्स के वेट कीजिए बटरफ्लाई में, आप लोगों के इसमें पैसे डेफिनेटली बनेंगे। क्योंकि ब्रेकआउट अगर कोई भी स्टॉक देता है और उसके बाद अगर डाउनसाइड दिखाता है, अगर मार्केट फॉल होता है, फंडामेंटली अगर कंपनी अच्छी है तो वो आपस से रिवर्स करती है, जैसे साइंट में किया, टीवीएस मोटर्स ने किया, बिरला कॉरपोरेशंस ने किया। आप लोग को सारा वीडियो के बारे में हमने डाल रखा था और सारे ने अच्छे खासे रिकवरी दिखाए, इवन मार्केट ने उतना अच्छा रिकवर अभी तक नहीं दिखाया है, लेकिन स्टॉक्स ने प्रीवियस हाई को तोड़ते गया और एक नया हाई बनाते गया। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसे नहीं बने, बन ही रहे हैं सबके। तो आप लोग वेट कीजिए लेवल्स के, आप लोग के पैसे बनेंगे। और तब तक जरूरी रही टाइम एक्सपेंस, क्योंकि समय ही पैसा बनाता है।